नमस्कार दोस्तों, चमत्कारी टोटके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कोई भी जानकारी को बताने से पहले हम चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल चमत्कारी टोटके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बताएंगे कि 3 जुलाई तक आप लोग कर लें ये सारे शुभ काम, नहीं तो करना होगा 4 महीने का इंतजार। हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों को करने के लिए शुभ समय देखा जाता है, जब सभी देव जगे हों तभी कोई भी शुभ काम होता है। इस बार 3 जुलाई को ही विवाह लग्न खत्म हो रहे हैं। माना जाता है कि शुभ कार्यों को साक्षी भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाएंगे, जिसके बाद सभी शुभ काम रुक जाएंगे और इसके साथ ही चौमासा भी शुरू हो जाएगा। जून और जुलाई में सिर्फ 8 ही विवाह लग्न थे। जून में 22, 23, 27, 28, 29 और 30 को लग्न था, वहीं जुलाई में 1 और 3 को विवाह लग्न है। 4 जुलाई को देव शयनी एकादशी है और इस दिन सभी देवी देवता सो जाते हैं, जिसके 4 माह बाद देव उठनी एकादशी को वो नींद से जागेंगे। इस बार देव उठनी एकादशी 31 अक्टूबर को है, यानी 31 अक्टूबर से दिसंबर तक सभी मांगलिक काम होंगे। देव उठनी एकादशी पर किसी भी मांगलिक काम के लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। इस दिन बिना कोई नक्षत्र या समय देखकर किया गया काम शुभ होता है। हालांकि 31 अक्टूबर को देव उठ जाएंगे और उस दिन कई शुभ काम भी होंगे, लेकिन विवाह लग्न 16 नवंबर से शुरू होंगे जो 10 दिसंबर तक रहेंगे। इसके बाद खर मास के चलते जनवरी 2018 के शुरू सप्ताह तक कोई भी शुभ काम नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।